हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने बड़े क्रिएटर्स का जो यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका जो है इंटरव्यू लेता रहता हूं। और मैंने आज तक जो है 10 से 15 बड़े क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स का जो अपना अर्निंग्स करते हैं यूट्यूब से, ब्लॉगिंग से या फिर वेबसाइट से, जैसे भी वो हर तरीके से जो है अर्निंग करते हैं, ऐसे ही मैं एक आज अपने एक भाई का जो मेरे एक अमन कुमार भाई है जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं, हरियाणा स्टेट से, काफी अच्छे बंदे हैं। इनकी बहुत ही अच्छी वीडियो जाती है यूट्यूब के अंदर। अगर आप उनके चैनल पे जाना चाहते हैं तो डिजिटल अमकू के नाम से आपको एक उनका चैनल मिलेगा। और एक चैनल और है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा, अमकू एजुकेशन। काफी बड़े चैनल है, 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर है दोनों चैनल के अंदर, काफी अच्छी वीडियो इनकी होती है। तो आज हम इनसे इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। कुछ क्वेश्चन है हमारे जो आज हम अमन भाई से करेंगे, डिजिटल अमकू जिनका चैनल नेम है, जो काफी बड़ा चैनल है और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। काफी अच्छे उनका बोलने का स्टाइल, जो हरियाणी लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो बात करते हैं अच्छे तरीके से, समझाते हैं। तो हमारा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए। और जो क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के होते हैं, मैं अमन भाई से वही क्वेश्चन करने वाला हूँ जो बेसिक से क्वेश्चन है। तो ये हमारा एक कोलैब भी बोल सकते हैं एक तरीके से, और एक हमारा छोटा सा इंटरव्यू है अमन भाई से। तो मैं उनसे अपना पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको बने रहना है, पूरी वीडियो को आपको जो है फुल वॉच करना है। तो चलो हम चलते हैं और अमन भाई के पास और उनसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो अमन भाई, सबसे पहले तो हमें अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, आप क्या करते हैं, आपने क्या किया हुआ है क्वालिफिकेशन में, और आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो, और आप अर्निंग किस किस प्लेटफॉर्म से करते हैं। राहुल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर आने का मौका दिया और जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, उसको अपने ऑडियंस के साथ शेयर करने का मुझे मौका दिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा है वो ये है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं कहां कहां से पैसे कमाता हूं, किस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाता हूं। तो भाई, जैसे आपने वीडियो में पहले ही बता दिया कि मैं हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूं। दूसरी बात, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मैंने बीए की हुई है, मुझे 1 साल हो चुका है बीए किए हुए, और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। तो मैं एक यूट्यूबर भी हूं, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, डिजिटल मार्केटर भी हूं, डिजिटल मार्केटिंग करता हूं लोगों की, और जो मेरा मेन काम है वो है यूट्यूब कंसल्टिंग का, यानी कि मैं जो नए यूट्यूबर आते हैं उनको मैं बताता हूं, समझाता हूं कि भाई आप किस तरीके से यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर 4 साल का एक्सपीरियंस है। और डिजिटल मार्केटिंग में भी मुझे यूट्यूब के बारे में बताया गया, यूट्यूब के बारे में समझाया गया, तो जो मैंने वहां पर पेड मतलब कि पैसे देकर सीखा है वो मैं लोगों को फ्री में सिखाता हूं। और जो यूट्यूब कंसल्टिंग का मैं काम करता हूं अलग से, उसकी मैं फीस लेता हूं, 1000 रुपये लेता हूं, वो मैं चैनल ग्रो करके देता हूं। और YouTube पर ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो मैंने ग्रो करवाए हैं, दी संजीत सरोवा आप सर्च कर सकते हो, अभी मार्च के अंदर उसके मार्च 2020 में 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, पहल न्यूट्रिशन उसके भी 50,000 सब्सक्राइबर हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो मेरे थ्रू ग्रो हुए हैं, इंडियन मोम दीपमाला जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इंडियन मोम दीपमाला भी मैंने ही उसको ग्रो करवाया है, मैंने ही उसको मतलब बताया था कि किस तरीके से आपने YouTube पर काम करना है। और राहुल भाई, आपने पूछा कि मैं किस किस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाता हूं, तो मैंने आपको बताया मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, यूट्यूब कंसल्टिंग करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल है, तो यहां से मुझे पैसे मिलते हैं। तो अमन भाई, हमारा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कहां से मोटिवेशन मिली, और कि कोई कौन सा आपकी लाइफ में कैसा बंदा था जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको लगा कि हां मुझको भी यूट्यूब के अंदर आना चाहिए, अपना जो है प्रोफेशन मुझे यहां पे दिखाना चाहिए यूट्यूब के अंदर, और क्या सोच के आपने जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। जैसे आप ब्लॉगर भी हैं तो अपने बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए, अपना इंस्पिरेशन आप किसको मानते हैं। तो राहुल भाई, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मुझे कहां से इंस्पिरेशन मिली, किसको देखकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। राहुल भाई, मैंने किसी को देखकर भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया, मैं ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके देख रहा था, तब मुझे यूट्यूब के बारे में पता लगा कि भाई यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी होती है। तो मैंने मतलब किसी को देखकर स्टार्ट नहीं किया, पैसे कमाने के लिए स्टार्ट किया था मैं,
मैं ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता था, तो तभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और आपने कहा कि मैं एक ब्लॉगर भी हूँ। राहुल भाई, पहले मैंने काफी ब्लॉगिंग की है, मेरे कई ब्लॉग थे, लेकिन अब मैंने ब्लॉगिंग को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। मैं ब्लॉगिंग नहीं करता क्योंकि ब्लॉगिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है वो है वीडियो बनाने में। मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे मतलब 3 यूट्यूब चैनल है, तो ब्लॉगिंग मैंने छोड़ दिया है। अब मैं एक ब्लॉगर नहीं हूँ, अब मैं एक यूट्यूबर डिजिटल मार्केटर हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके कौन कौन से चैनल है यूट्यूब के अंदर, और आप ब्लॉगिंग से कितना पैसा कमा लेते हैं, यूट्यूब चैनल पे आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, और उनसे आप जो है एस्टिमेट आप कितना जो है अर्निंग कर लेते हैं सारे चैनल को मिला के, और कुल आपके कितने सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, आपके जितने भी चैनल्स हैं चैनल के नाम बता दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स आपके चैनल पे जाएं, आपको जो है सपोर्ट करें और आपकी वीडियोज को वॉच करें, ताकि वो भी आपसे थोड़ा मोटिवेशन ले सके। तो बताइए इसके बारे में भी थोड़ा सा। राहुल भाई, आपने मुझे पूछा कि भाई मेरे कौन कौन से चैनल है, क्या क्या नाम है, कितने सब्सक्राइबर है, और कितने पैसे मुझे हर महीने उन चैनल से मिल जाते हैं। तो देखिए, जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है वो है डिजिटल अमकू। डिजिटल अमकू पर अभी 25,000 सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैं अभी इस पर ज्यादा एक्टिव हुआ हूँ। पहले इतना एक्टिव नहीं था, कभी कभी वीडियो अपलोड कर दिया करता था, लेकिन लगभग एक महीने से मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, मतलब लगातार कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर 25,000 सब्सक्राइबर है। जो मेरा दूसरा चैनल है, वैसे तो वो मेन है अमकु एजुकेशन, क्योंकि उस पे 3,77,000 सब्सक्राइबर है। अमकु एजुकेशन वो एक स्टडी चैनल है, वहां पर मैंने टीचर को हायर कर रखा था, वो पढ़ाते थे, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके मैं उस चैनल पे डालता था। तो वो एक मतलब अमकु एजुकेशन हो गया, उसमें मेरी वीडियो भी है और टीचर की भी है। जो मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है जहां से मुझे पैसे मिलते हैं, वो है हेल्दी ज्ञान, यानी कि हेल्दी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर मैं खुद वीडियो नहीं बनाता, मैंने एक लड़की को हायर कर रखा है, वो वीडियो बनाती है और उस पर अपलोड करती है। तो उस पर लगभग 40,000 के करीब सब्सक्राइबर है, 39,000-40,000 है, और वो वहां से मुझे पैसे मिलते हैं। तो मेरे ये 3 यूट्यूब चैनल है, डिजिटल अमकू, अमकू एजुकेशन और हेल्दी ज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अर्निंग की, कि मैं यहां से कितना पैसा कमा लेता हूं। देखिए दोस्तों, तीनों मैंने चैनल बताए हैं उनकी कैटेगरी अलग अलग है। एक एजुकेशन का चैनल है, दूसरा टेक का चैनल है, तीसरा हेल्थ का मतलब हेल्थ कैटेगरी का चैनल है। इन तीनों से अर्निंग भी अलग अलग होती है। जैसे डिजिटल अमकू है, अमकू एजुकेशन और हेल्दी ज्ञान, इन तीनों की अर्निंग अगर मैं आपको बताऊं तो 35,000-50,000 के बीच हर महीने आती है। कभी 35,000, कभी 40, कभी 45, कभी 50। यानी कि मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं कि मुझे यूट्यूब से हर महीने 40,000-50,000 रुपए के आसपास मिल जाते हैं मेरे तीनों चैनल से। और जो मेरे और अर्निंग के सोर्स है वो मैंने आपको बताया, यूट्यूब कंसल्टिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, वेबसाइट डिजाइनिंग का है। तो यहां से मैं मतलब अब मेरे ये और बिजनेस है, यहां से भी मैं पैसे कमाता हूं। और यदि आप मेरे सारे अर्निंग सोर्स जानना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, मैंने अपने टॉप 5 अर्निंग सोर्स बताए हुए हैं कि किस प्रकार से मैं मतलब पैसे कमाता हूं ऑनलाइन घर बैठे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अमन भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जो जनरली हम सभी क्रिएटर्स के बीच रहता है, कि वो कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम वीडियो हम अपलोड करते हैं और उस पे अच्छे खासे हमें व्यूज मिल जाते हैं, अच्छा खासा वॉच टाइम हमें गेन करने को मिल जाता है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। तो राहुल भाई, आपने पूछा कि बेस्ट टाइम कौन सा है वीडियो अपलोड करने का, जहां से मतलब जिस टाइम पे हम वीडियो अपलोड करें तो हमारी ज्यादा व्यूज आए। तो देखिए राहुल भाई, अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको सुबह वीडियो अपलोड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे एक कारण है। देखिए, अगर आप शाम को वीडियो अपलोड करते हो तो जितने भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे इस टॉपिक से रिलेटेड कि हमें किस टाइम वीडियो अपलोड करनी चाहिए, तो सभी ने शाम को बताया है। क्यों बताया, इसके पीछे भी कारण है कि शाम को सभी लोग अपने घर पे होते हैं, मोबाइल फोन का यूज कर रहे होते हैं, और अगर उनको उस टाइम पे वीडियो जाती है तो वो आपकी वीडियो को जरूर देखते हैं। मतलब कि शाम को सभी के हाथ में मोबाइल फोन होता है, ज्यादा स्मार्टफोन शाम के टाइम पे चलाते हैं लोग, तो इसलिए हमें शाम को वीडियो अपलोड करनी चाहिए, इससे हमें ज्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं सुबह, अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो क्यों, क्योंकि शाम को बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो अपलोड करते हैं, और जो व्यूअर है, जो उनके मतलब कि पुराने चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वो उनकी वीडियो देखता है। आप एक नए यूट्यूबर हो तो हो सकता है वो जब उनकी वीडियो देख रहा है आपकी वीडियो को न देख पाए, आपके नोटिफिकेशन को स्किप कर दे, उसको पता नहीं लगे कि भाई आपने भी वीडियो अपलोड करी है। अगर आप सुबह वीडियो अपलोड करते हो तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि सुबह बहुत कम ऐसे यूट्यूबर है जो वीडियो को अपलोड करते हैं। तो अगर आप नए क्रिएटर हो तो आपको सुबह वीडियो अपलोड करनी चाहिए, और
यदि आप एक पुराने क्रिएटर हो तो आप अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो आपको शाम को वीडियो अपलोड करनी चाहिए क्योंकि व्यूज शाम को ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर एक नए यूट्यूबर हो तो सुबह करनी चाहिए, तभी आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएंगे। और अमन भाई से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो अपने जो वीडियो एडिटिंग करते हैं वो किस सॉफ्टवेयर से करते हैं, कौन सा वो जो है सबसे बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर मानते हैं अपने YouTube के अंदर, जिससे वो अपनी वीडियोज को एडिटिंग करते हैं उसके बाद पब्लिश करते हैं। और मैंने आपसे ये पूछ ही लिया है कि पब्लिश करने का क्या टाइम है, और थोड़ा सा डिटेल में बताइए हम यूट्यूबर्स को किस तरीके से वीडियो को अपलोड करना चाहिए। राहुल भाई, अगर हम बात करें एडिटिंग सॉफ्टवेयर की कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं, तो राहुल भाई मैं अपना सारा काम मोबाइल फोन से करता हूं। मोबाइल फोन से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये वीडियो भी मोबाइल फोन से शूट हो रही है, और एडिटिंग भी मैं मोबाइल से करता हूं, अपलोड भी मैं मोबाइल से करता हूं, क्योंकि राहुल भाई मुझे ईजी रहता है मोबाइल से सारे काम करने में। एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन आती है, पावर डायरेक्टर ऐप आता है, उसका जो प्रीमियम वर्जन है वो मैंने बाय कर रखा है, मैं उसका यूज करता हूं एडिटिंग के लिए। और आपने पूछा राहुल भाई कि हमें किस तरीके से अपनी यूट्यूब वीडियो को पब्लिश करना चाहिए, तो देखिए हमारे व्यूज कितने आते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपनी यूट्यूब वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन करके अपलोड कर रहे हैं। हमें अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज जरूर करना है। ऑप्टिमाइज में क्या होता है, टाइटल लिखना है, टाइटल कैची भी होना चाहिए और SEO फ्रेंडली भी होना चाहिए। जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड भी टाइटल के अंदर होने चाहिए, और जिन कीवर्ड से व्यूअर अट्रैक्ट होते हैं वो कीवर्ड भी हमारे टाइटल के अंदर होने चाहिए। और बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो जो हमने वीडियो में बताया है वो हमें डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, कीवर्ड का यूज करना है डिस्क्रिप्शन में, ताकि हमारी वीडियो सर्च रिजल्ट में आ सके। और हैशटैग यूज करने हैं अपने हर वीडियो में, वो टैग यूज करने हैं। इससे क्या होता है, हमारी वीडियो जो भी हम टैग यूज करते हैं, अगर कोई बंदा उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख रहा है किसी और की, तो उसके सजेशन में हमारी वीडियो दिखाई देगी, तो इससे हमें ज्यादा व्यूअर हमारी वीडियो को देखेंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे तो ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा यूट्यूब से पैसे मिलेंगे। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, टैग और थंबनेल। थंबनेल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो वीडियो पर व्यूज आते हैं 50% व्यू आपके थंबनेल को देखकर ही क्लिक करते हैं, तो थंबनेल कैची होना चाहिए, मतलब ऐसा सिंपल होना चाहिए, ये नहीं है कि उसमें सारी चीजें भर दी, नहीं दोस्तों, आपने सिंपल रखना अपने थंबनेल को, जितना हो सके फोटो यूज करना है अपना, और वहां पे टेक्स्ट भी लिखने हैं, अच्छा थंबनेल बनाना है, तो आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अमन भाई से ये है कि वो हम लोगों को या हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो भी आपसे मोटिवेशन लेके वो भी YouTube के अंदर या फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर एंटर करें, और वो भी यहाँ से अच्छा खासा जो है मेहनत करके अच्छी खासी वो अर्निंग कर सके। तो थोड़ा सा एक ऐसा मैसेज दीजिए बंदों को कि वो भी आपसे जो है मोटिवेट हो सके और अच्छा खासा वो भी यहाँ पे मेहनत करके अर्निंग कर सके। तो राहुल भाई, आपके व्यूअर को मेरी तरफ से यही मैसेज है, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप एक यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर बनना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहली चीजों को सीखना पड़ेगा, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो और फिर कह रहे हो हमें तो ऑनलाइन पैसे मिल ही नहीं रहे, कुछ दिन तक आपने मतलब काम किया यूट्यूब पर या ब्लॉग पर फिर छोड़ दिया, नहीं दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉगर हैं, उन्होंने काफी समय मतलब कि यूट्यूब को दिया है, ब्लॉगिंग को दिया है, जितना समय वो पढ़ाई को देते थे उससे दुगुना या फिर कई गुना ज्यादा समय उन्होंने यूट्यूब और ब्लॉगिंग को दिया है, तभी वे आज के टाइम पे सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाए। तो आपको पहले चीजों को सीखना पड़ेगा, और यदि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर आपको किसी चीज के नॉलेज होनी चाहिए, उस टॉपिक पर आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो, तभी आप YouTube पर कामयाब होगे। ये नहीं है आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हो और आप किसी को कॉपी कर रहे हो, किसी को देखकर आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, नहीं दोस्तों, आप कभी भी YouTube पर ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। तो मेरी तरफ से यही मैसेज है कि पहली बात तो आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आपको लगता है कि मेरे अंदर ये नॉलेज है, मेरे अंदर ये स्किल है, ये टैलेंट है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, तभी आप
आपने YouTube पर आना है और पहले चीजों को सीखना है, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, पैसे लगाकर चीजों को सीखा हुआ है। और यदि आप YouTube के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, डिजिटल अमकू, आपको नाम तो पता लग गया होगा। और राहुल भाई भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर को, मतलब जो यूट्यूब पर या ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों को आपको आपसे मिलवाते हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करते हैं। तो इससे लोगों को काफी फायदा होता है, काफी मदद मिलती है। तो राहुल भाई आप भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो राहुल भाई के चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जो मेरे व्यूवर देख रहे हैं वो राहुल भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाने के लिए घंटे के आइकन पर क्लिक करें। तो धन्यवाद राहुल भाई, आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया, मेरी नॉलेज को और मैं अपने बारे में अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको आपके चैनल पर शेयर कर पाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई के साथ जो बेसिकली सोनीपत के रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने भी वहां से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और काफी अच्छे बंदे हैं वहाँ के माहौल भी, और ये जो इन्होंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा इंटरव्यू, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जो है अमन भाई के चैनल पे आप जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आपको चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।